हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर फोर्थ लेक्चर ऑफ होट 211 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइसेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्पाइस को किस किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है और कौन कौन सी स्पाइस किस किस क्लास में आती है। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल हॉर्टिकल्चर गुरुजी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। इंडियन स्पाइसेस कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द प्लांट पार्ट यूज्ड, द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, ओरिजन एंड फ्लेवर, रिक्वायरमेंट ऑफ सीजन एंड बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट यूज्ड, कि पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लिया जा रहा है, कौन से भाग को उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसके आधार पर। तो पहला है सीड। इसके अंदर ये कह सकते हो कि जो बीजीय मसाले होते हैं, सीड स्पाइस होती हैं, उनको रखा जाता है। जैसे क्यूमिन है, जीरा, ब्लैक क्यूमिन है, काला जीरा, फेनुग्रिक, मेथी, कोरिएंडर, धनिया, फेनल, सौंफ, अजवाइन, जो अजवाइन होती है, एनीसीड और मस्टर्ड। इसी की सेकंड क्लास है बल्ब, मतलब शल्क कंद, कह लो हिंदी में शल्क कंद। इसमें ओनियन, गार्लिक यानी कि प्याज और लहसुन आ जाते हैं। फिर है बार्क, बार्क होता है छाल, पेड़ की छाल, ठीक है। इसमें सिनेमोन, दालचीनी, फ्रूट, फल के जो यूज़ होता है जिनमें, चिल्ली है, कार्डामोम है, आल स्पाइस है, कोकम है, चिल्ली मिर्च समझते हो, लाल मिर्च, कार्डामोम होती है, इलायची, आल स्पाइस और कोकम, इनको रखा जाता है फ्रूट वाली कैटेगरी में। फिर है लीफ, जिनकी लीफ यूज किए जाते हैं, पत्ते यूज किए जाते हैं, मिंट है, करी लीफ है, तेज पत्ता है, ठीक है। मिंट पुदीना हो गया, करी लीफ करी पत्ता हो गया, तेज पत्ता हो गया, ठीक है, ये तीन है। राइजोम्स, जिनके अंदर राइजोम यूज किए जाते हैं, जैसे टर्मरिक है, जिंजर है, यानी कि हल्दी है और अदरक है, इनके अंदर राइजोम यूज किए जाते हैं खाने के लिए, ठीक है, मसाले के रूप में। फिर है पोड, पोड होता है फलियां, ठीक है, फली जिसको बोलते हो वो। इसमें वेनिला और टैमरिंड, इनकी फलियां होती हैं जिनको मसाले के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कर्नल, कर्नल होता है बीज जो होता है सीड, उसके बीज का जो गिरी रहती है उसे कहते हैं। तो नटमैग के अंदर गिरी यूज की जाती है, ठीक है। फिर है फ्लोरल पार्ट, फूल का कोई भाग, सैफ्रोन जो होता है वो फूल का ही भाग होता है, जिसको केसर कहते हो, ठीक है, एंथर्स रहते हैं उसके जो फूल के, वो यूज किए जाते हैं। बड है क्लोव, जो अनओपन फ्लोवर होते हैं, कली कहते हो जिसको, वो क्लोव जो लॉन्ग होता है वो पार्ट होता है पौधे का। लेटेक्स, एस्फोटिडा एक लेटेक्स होता है, लेटेक्स मतलब एक द्रव्य कह लो या एक दूधीय स्त्राव, वो एस्फोटिडा उस फॉर्म में होता है, उसको एज ए मसाला यूज किया जाता है। एरिल, मेज और अनारदाना एरिल होता है, एरिल होता है जो फल के ऊपर का, सॉरी बीज के ऊपर का जो छिलका होता है उसे कहते हैं। बीच वाला तो कर्नल कहलाएगा, ऊपर वाला एरिल, ठीक है। जो मैस है जिसको जावित्री बोलते हो, ठीक है, मैंने पहले पढ़ाया था एच नंबर जिसमें कर्नल लिखा हुआ है, नटमैग। ये मान लो कि नटमैग और मैस एक ही पेड़ की दो उत्पाद हैं, नटमैग उसकी कर्नल हो गया अंदर वाला और मैस होती है ऊपर का जो छिलका, उस बीज के ऊपर का छिलका। एक है अनारदाना। फिर है बेरी, बेरी इसमें ब्लैक पेपर, जूनिपर और आल स्पाइस आ जाते हैं,
मतलब इनका फल टाइप बेरी होता है, जैसे काली मिर्च है, जूनिपर है, ऑल स्पाइस इस कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कि जो मसाला है उसका आर्थिक महत्व, उसके आधार पर उनको क्लासिफाइड किया जाता है। इस आधार पे दो क्लास, मेजर क्लास के अंदर क्लासिफाइड किया जाता है, एक तो है मेजर स्पाइस, दूसरी है माइनर स्पाइस। ठीक है, मेजर स्पाइस द स्पाइसेस विच कंट्रीब्यूट मेजर शेयर इन द स्पाइस ट्रेड इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड मेजर स्पाइस, जिनका ये कह लो कि जो एक्सपोर्ट किया जाता है ये कह लो, और उस एक्सपोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा भाग रहता है, लगभग इन मसालों का 75 से लेकर 90% तक का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें इनका शेयर रहता है, कि मतलब ये मसाले 75 से लेकर 90% तक शेयर किए जाते हैं दूसरे मसालों की तुलना में। ठीक है, और इनकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है। इसमें लगभग 5 मसाले आ जाते हैं, 5 spices इन दिस कैटेगरी, स्मॉल कार्डमम, ब्लैक पेपर, चिल्ली, टर्मरिक और जिंजर, मतलब छोटी इलायची, काली मिर्च जो हम लाल मिर्च है, मिर्च, टर्मरिक, हल्दी और जिंजर, ये 5 जो मसाले हैं ये मेजर स्पाइसेस होती हैं। माइनर स्पाइसेस होती हैं ये 5 मसालों को छोड़ के जो भी मसाले बचते हैं वो माइनर स्पाइस कहलाती हैं। ठीक है, इनको आगे 5 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, जो है पहला तो सीड स्पाइस। सीड स्पाइसेज में कोरिएंडर, क्यूमिन, ब्लैक क्यूमिन, फेनल, एनी सीड, सेलरी, मस्टर्ड, पोपी, कारावे, जो मैंने पहले सीड स्पाइस के अंदर काउंट करवाए थे जब बताए थे वो ही सेम है। दूसरा है बल्बस स्पाइसेज, जिनके अंदर बल्ब यूज होते हैं, उसमें पहले वाली कैटेगरी में आए थे गार्लिक, ऑनियन आई थे, लीक और शैलोट, ये भी इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है एरोमेटिक स्पाइसेस। एरोमेटिक मतलब जो सुगंधित, जिनसे सुगंध आती है, जिसमें क्लोव है, सिनेमोन है, ऑल स्पाइस है, एनी सीड है, नटमैग है, मतलब जो लौंग है इसमें से स्मेल आती है, सिनेमोन जो दालचीनी होती है उसमें से, ऑल स्पाइस है, एनी सीड है, नटमैग जो जायफल होता है उसमें से भी स्मेल देता है। ठीक है, एरोमेटिक मसाले। फिर है लीफी स्पाइसेस। लीफी स्पाइसेस होती हैं पत्ती वाली, करी लीफ, मिंट, रोजमेरी, बे लीफ एंड पर्सले। लीफी स्पाइस मतलब जो पत्ते वाले यूज किए जाते हैं, जैसे करी लीफ है, मिंट है, रोजमेरी है, बे लीफ, ये लीफी स्पाइस हैं। लास्ट कैटेगरी इसमें है माइनर स्पाइस के अंदर एसिडुलेंट ट्री स्पाइसेस। एसिडुलेंट मतलब अम्लीय वृक्षीय मसाले, टैमरिंड, कोकम एंड अनारदाना, ये 3 मसाले हैं जो अम्लीय होते हैं, मतलब खाने में थोड़े खट्टे स्वाद के होते हैं और पेड़ों पे लगते हैं। इन मसालों को इस कैटेगरी में रखा जाता है, टैमरिंड, इमली। ठीक, थर्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स, जो जलवायु की आवश्यकता होती है उसके आधार पर फसलों का जहाँ जो मसाले हैं उनका क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग ऑन सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी एंड एयर ऑफ ए पर्टिकुलर क्लाइमेट जोन, स्पाइसेस आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, ट्रॉपिकल स्पाइसेस, सब ट्रॉपिकल स्पाइसेस और टेम्परेट स्पाइसेस। फर्स्ट है ट्रॉपिकल स्पाइसेस, जिसको आप उष्ण कटिबंधीय मसाले कह सकते हो। ठीक है, स्पाइसेस ऑफ दिस कैटेगरी नीड हाई टेम्परेचर एंड अबाउंडेंट ह्यूमिडिटी। जो इस कैटेगरी के मसाले होते हैं उनको अधिक तापमान की और अधिक ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसा अपने साउथ इंडिया के अंदर टेम्परेचर पाया जाता है जहाँ रहता है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी हो और बहुत ज़्यादा तापमान भी रहे, रात और दिन के तापमान में कोई खास अंतर नहीं रहता, ना ही कोई अलग से गर्मी या अलग से सर्दी वहाँ रहती है। ठीक है, ऐसे सीजन के अंदर जो मसाले उगते हैं वो है जिंजर,
अदरक, टर्मरिक, हल्दी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, सिनेमोन, दालचीनी, कोकम, गलनगल, स्मॉल कार्डामोम एंड क्लोव, छोटी इलायची, लौंग, ये सारे मसाले ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हैं। सेकंड है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ सब ट्रॉपिकल स्पाइसेस। इस कैटेगरी के अंदर जो उपोष्ण कटिबंधीय मसाले होते हैं, यानी कि जो सेंट्रल इंडिया है वो वाला पार्ट, जहाँ पे लो टेम्परेचर अकर इन विंटर एंड हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, मतलब लो टेम्परेचर सर्दियों में लो टेम्परेचर भी रहता है, मतलब अलग से सर्दियाँ भी होती हैं, अलग से गर्मी भी होती है। सर्दियों के अंदर तापमान 0 तक चला जाता है और गर्मियों में तापमान 40 से अबव चला जाता है। ऐसे क्षेत्र उन्हें सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और इन जोन जहाँ इन क्षेत्रों में उगने वाली मसाले आपको सब ट्रॉपिकल मसाले कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस रिक्वायर रिलेटिवली लो टेम्परेचर ड्यूरिंग देयर वेजिटेटिव ग्रोथ और अर्ली ग्रोथ स्टेज एंड हाई टेम्परेचर इन रिप्रोडक्टिव स्टेज। ज़्यादातर जो मसाले होते हैं उनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उस टाइम उनको कम तापमान चाहिए होता है, और जैसे ही उनकी रिप्रोडक्टिव कह लो, जब उन पे बीज बनने वाले होते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं, तब उनको गर्म तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें जो सब ट्रॉपिकल के एग्जाम्पल हैं, जैसे विंटर में क्यूमिन, फेनल, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, ओनियन, गार्लिक, मतलब जो सीवियर स्पाइस हैं, राजस्थान, गुजरात के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, वो मसाले सारे के सारे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हैं, और सब क्लाइमेट के अंदर जो स्पाइसेस के अंदर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन था इसका टेम्परेट स्पाइसेस। टेम्परेट मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय मसाले जो ठंडे क्षेत्रों में उगते हैं, ठीक है, जहाँ पे तापमान बहुत कम रहता है। स्पाइसेस ऑफ दिस टाइप कैन विदस्टैंड लो टेम्परेचर एंड फ्रॉस्टी वेदर बट आर डैमेज इजली इन हॉट वेदर, मतलब ऐसे मसाले जो कम तापमान के को सहन कर सकते हैं, जहाँ उसमें खड़े रहते हैं, और जो फॉरेस्टी कह लो पाले वाला सीजन होता है उसको भी सहन कर लेते हैं, पर जैसे ही गर्मी के अंदर आते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, मतलब उन पे पुष्पन नहीं होता। एग्जाम्पल है इनका थाइम्स है, सेफ्रॉन, जिसको ज़्यादातर इसका फेमस मसाला है सेफ्रॉन। इसका जो लिमिटेड एरिया है वो ज़्यादातर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर ही है सैफ्रोन केसर का। सावोए, कैरावे, एस्फोटिडा, ये इसके अंदर कैटेगरी के अंदर मसाले आ जाते हैं। फोर्थ क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड फ्लेवर, ठीक है, जो उनका टेस्ट होता है उसके आधार पर, उनका जो ओरिजिन कह लो कि उनका उत्पत्ति कह लो, उनकी मसाले के स्वाद की उत्पत्ति उसके आधार पर। इसके आधार पर इन्हें चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला है एरोमेटिक स्पाइसेस। एरोमेटिक के अंदर आ जाती हैं कार्डामोम है, एनीसीड है, सेलरी है, क्यूमिन है, कोरिएंडर, फेनुग्रीक एंड सिनेमोन, मतलब ऐसे मसाले जिनमें से सुगंध आती है उनको एरोमेटिक स्पाइस कह दिया, जिनको सुगंध के लिए डाला जाता है, ठीक है, जैसे क्यूमिन है, कोरिएंडर है, फेनुग्रीक है, ये ज्यादातर सुगंध के लिए डालते हैं। फिर है पजेंट स्पाइसेस। पजेंट मतलब जो चरपराहट, कड़वाहट कह लो, तीखापन के लिए डाले जाते हैं, जैसे जिंजर है, चिल्ली है, ब्लैक पेपर है और मस्टर्ड है, मतलब थोड़ा कड़वापन होता है जिनके अंदर, जिनको कड़वाहट के लिए ही टेस्ट के लिए डाला जाता है, ये कह लो कड़वे टेस्ट के लिए, ठीक है। फिर है फिनोलिक स्पाइसेस। फिनोलिक मतलब जिनमें फिनोलिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे क्लोव है, आल स्पाइस है, लौंग है, इसमें फिनोलिक कंपाउंड पाए जाते हैं। फिर है कलर्ड स्पाइसेस, जिनका यूज ज्यादातर कलर डेवलप करने के लिए मसाले, मतलब कलर के रूप में, जैसे कोई डिश है उसके अंदर कलर अपने को बनाना है, तो जैसे रेड कलर के लिए देगी मिर्च डाल दी, हल्दी का, अगर हल्दी जैसा कलर पीला येलो कलर चाहिए तो अपने को उसमें हल्दी डाल दी, वो चीज़। जहाँ थोड़ा सा अपने को केसरिया सा और येलो से रंग चाहिए तो सैफ्रॉन भी डाल सकते हैं, जिसको केसर कहते हो वो, तो कलर्ड स्पाइसेस के अंदर आ जाती हैं। टर्मरिक को यूज़ किया जाता है, सैफ्रॉन को जो आपको बताई था मैंने, केसर,
और पेपरिका जिसको देगी मिर्च कहते हो, ठीक है, उसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कलर्ड स्पाइस के रूप में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फिफ्थ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीजन ऑफ ग्रोथ। सीजन ऑफ ग्रोथ मतलब उनके जीवन चक्कर के आधार पे कह सकते हो, लाइफ साइकिल के आधार पे कह सकते हो, ठीक है। जैसे एनुअल स्पाइसेस हैं, बाइनियल है, पेरिनियल है। एनुअल मतलब वार्षिक, बाइनियल मतलब द्विवार्षीय है, और पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय है। तीन ग्रुप में स्पाइस को डिवाइड किया जा सकता है। तो एनुअल के अंदर जो अपना लाइफ साइकिल एक मौसम के अंदर कंप्लीट कर लेती हैं वो एनुअल कहलाती हैं। जैसे कोरिएंडर है, क्यूमिन है, फेनल है, फेनुग्रीक है, अजवाइन है, और ब्लैक क्यूमिन है, मतलब जिनका जीवन चक्कर एक मौसम में कंप्लीट हो जाता है। फिर बाइनियल स्पाइसेस हैं जिनको ग्रो करने के लिए 2 सीजन की आवश्यकता होती है, मतलब बीज से बीज तक पहुंचने के लिए 2 सीजन आवश्यक होते हैं। जैसे ऑनियन है, पर्सले है, मतलब ओनियन को अगर प्याज के लिए या कंद के लिए या बल्ब के लिए प्रोड्यूस किया जाए तो ये एनुअल है, अगर इसको बीज तक ही पहुंचाना है तो ये बाइनियल है, पर्सले है जैसे। फिर है पेरिनियल, बहुवर्षीय है। जो भी ट्री स्पाइसेज हैं वो सारी की सारी पेरिनियल हैं। जैसे ब्लैक पेपर है, वैसे तो वाइन होती है ब्लैक पेपर की भी, ठीक है। सेफ्रोन है, क्लोव है, नटमैग है, सिनेमोन है, इसके अलावा तेज पत्ता है, ठीक है, ये पेरिनियल स्पाइसेज हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन बोटनिकल डिस्क्रिप्शन, मतलब उनका जो वानस्पति क्लासिफिकेशन कह लो, इससे अगर पहले वाला जो किंगडम और थोड़ा और देखना चाहते हो कि उसकी 4 क्लास आगे डिवीजन होती हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा देखना चाहो तो आप मेरा जो इसका तीसरा लेक्चर था तो उस लेक्चर में आप उस चीज़ को देख सकते हो कि किस प्रकार से प्लांट किंगडम को आगे डिवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद उसमें मोनोकोट, डाइकोट आ जाते हैं, फिर उसके बाद उसमें फैमिली, जीनस, फिर उसके बाद उसमें स्पीसीज, फिर उसके बाद उसमें जो वैरायटी होती है या कल्टीवार होती है वो आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मसाला है इसमें क्यूमिन है, क्यूमिन मतलब जीरा, क्यूमिनम साइमिनम, साइमिन क्यूमिनम साइमिनम इसका बोटनिकल नेम है। फैमिली इसकी एपिएसी, पार्ट यूज्ड इसका जो फल यूज किया जाता है, फ्रूट यूज करते हैं। दूसरा मसाला है कोरिएंडर, धनिया, कोरिएंड्रम सैटिवम, एपिएसी फैमिली है, लीफ एंड द सीड, मतलब पत्ती और बीज दोनों ही मसाले के रूप में यूज किए जाते हैं। लीफ को ज़्यादातर इसका कॉन्डिमेंट के रूप में यूज करते हैं, और बीज को भी मसाले के रूप में यूज करते हैं, स्पाइस के रूप में। एक और चीज़ जो एपिएसी फैमिली है इसको अम्बेली फेरी फैमिली भी बोल देते हैं, याद रखना अम्बेली फेरी, ठीक है। फैनल है फोइनिकुलम वल्गेर, एपिएसी फैमिली का है ये भी, और फ्रूट इसमें भी यूज होते हैं। एनीसीड है पिपनेला एनिसम, एपिएसी फैमिली का है, इसमें भी फ्रूट यूज होते हैं। सेलरी है एपियम ग्रेव्योलेंसेस, इसमें एपिएसी फैमिली की है, और इसमें भी लीफ, फ्रूट और स्टेम यूज़ किया जाता है, मतलब तना भी यूज़ करते हैं, पत्ती भी और फल भी। फिर है मस्टर्ड, ब्रेसिका जूनसिया या ब्रेसिका निग्रा, ये 2 स्पीसीज ज़्यादातर यूज की जाती हैं। ब्रेसिकेसी फैमिली है या क्रूसीफेरी फैमिली है, और बीज यूज किए जाते हैं जिसको राई कहते हो आप, राई, ठीक है। नेक्स्ट मसाला है टैमरिंड, टैमरेंडस इंडिका, सिसाल पिनेसी फैमिली है, एक लेग्यूमिनेसी का ही एक टाइप है सिसाल पिनेसी, ठीक है, और इसमें फल यूज होता है, फ्रूट यूज किया जाता है जिसको पोड कह देते हो, फली। फेनुग्रीक, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम, फेबेसी फैमिली है इसकी, ठीक है, ये भी एक लेग्यूमिनेसी का ही है, फेबेसी सीड इसमें यूज होते हैं। सेफ्रोन, क्रोकस सेटिवस, इरिडेसी फैमिली है, ठीक है, ये मोनोकोट होता है, इरिडेसी फैमिली है, और स्टिग्मा इसमें यूज की जाती है। उसके बाद है मिंट, पुदीना, मेंथा पेपरिटा, मिंट होता है पुदीना, मेंथा पेपरिटा, मेंथा भी बोल देते हैं इसको, और इसकी फैमिली लेमिएसी होती है,
और इसमें ज़्यादातर जो पत्ते होते हैं मसाले के रूप में यूज होते हैं। तेज पत्ता, सिनेमोमम तमाला, लॉरेसी फैमिली है, लीफ यूज होती है, तेज पत्ता लीफ यूज होती है। फिर नीचे है सिनेमोन, दालचीनी, सिनेमोनम वेरम, ये भी लॉरेसी फैमिली का है, सेम बार्क यूज होती है। याद रखना दोनों में मैंने दो स्पीसीज इसलिए अलग अलग लिखी हैं, वैसे सेम ही चीज है, ठीक है। तमाला भी लिख सकते हो, तेज पत्ते का नाम सॉरी तेज पत्ते का नाम वेरम भी लिख सकते हो, और कोई गलत नहीं लिखे होगा कि भाई वो गलत है, क्योंकि इसकी दोनों स्पीसीज ही यूज होती हैं। ये दोनों एक ही पौधे के दो पार्ट या दो भाग हैं, ठीक है। पत्ते भी यूज होते हैं और छाल भी यूज होती है। फिर है नटमैग, मिरिस्टिका फ्रैग्रेंस, मिरिस्टी कैसी फैमिली है, सीड यूज होते हैं इसके अंदर। क्लोव, युगिनिया कैरियोफिलस, मर्टियसी फैमिली है, और फ्लोवर बर्ड, अनओपन फ्लोवर बर्ड यूज होती है एज ए स्पाइस, ठीक है। फिर है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, पाइपर निग्रम, पाइपरेसी फैमिली है, और फ्रूट यूज होते हैं, या इसको बेरी भी कह सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे जो फ्रूट रहते हैं रेड कलर के, बाद में सूख के ब्लैक हो जाते हैं, वो चीज़ इसमें यूज होती है। एक होते हैं वाइट पेपर भी बोल देते हैं, वाइट पेपर इसी का ही एक उत्पाद है, वाइट पेपर, पेपर निग्रम का ही, वो भी मसाले के रूप में। वाइट पेपर वैसे ज़्यादा डिमांड है, विदेशों में ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद है चिल्ली, कैप्सिकम एनम, सोलेनेसी फैमिली है, और फ्रूट यूज होता है चिल्ली का, मिर्च का। फिर है कार्डामोम स्मॉल, इलेटेरिया कार्डामोम, जिंजिवेरेसी फैमिली है, और फ्रूट यूज होता है इसका भी, ठीक है। कार्डामोम छोटी इलायची, लार्ज कार्डामोम बड़ी इलायची, एमोमम सुबुलेटम, याद रखना कई बार बोटनिकल नेम पूछा जाता है बड़ी मिर्च इलायची का, ठीक है, एमोमम सुबुलेटम। और ये ऊपर वाली का जो छोटी सी शाख होती है, शाखीय पौधा है, ठीक है। और जबकि जो लार्ज कार्डामोम है इसमें ट्री होता है ये, और इसकी जो स्मेल होती है वो रोस्टिंग के कारण होती है बड़ी इलायची की। इसमें रोस्टिंग करते हैं भट्टी के अंदर, और उसकी जो धुएं के कारण उसकी स्मेल आती है, जो इस इलायची की मेन स्मेल आती है। जिंजिवेरेसी फैमिली होती है इसकी भी, और फ्रूट इसमें यूज होते हैं। टर्मेरिक, कुरकुमा लौंगा, हल्दी, कुरकुमा लौंगा इसका बोटनिकल नेम है, जिंजिवेरेसी फैमिली, और राइजोम्स इसमें खाए जाते हैं। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है जिंजिवेरेसी की, तो कंसिडर करना, ठीक है। तो झिंजर, जिंजिवर ऑफिसनेली, झिंजर होता है अदरक, जिंजिबेरी इसकी भी जिंजिबेरेसी ही फैमिली है, और राइजोम यूज किए जाते हैं, झिंजर मतलब अदरक, अदरक के अंदर। थैंक यू।